पायलट गुट के विधायक ने कर दिया बड़ा ऐलान। दीपेंद्र सिंह शेखावत अब नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कुछ ही दिन पहले की थी सचिन पायलट ने मुलाकात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सचिन पायलट गुट के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। शेखावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए अब चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही श्री माधोपुर की जनता का आभार भी उन्होंने जताया है। श्री माधोपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर हैंडल के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि जनता ने मेरा समय समय पर साथ और समर्थन किया है, इसके लिए मैं श्री माधोपुर की जनता का सदैव आभारी रहूंगा। इसके आगे शेखावत ने कहा कि पिछले 2 सालों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रह पाया था और अब मैं 4-5 महीने के लिए ही विधायक हूं, तो अब आप लोगों के बीच लगातार रहूंगा और बाद में आचार संहिता लग जाएगी। आप लोग मुझे बहुमत से चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं लेकिन अब मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने ये बयान सोशल मीडिया के जरिए जारी किया और वहीं दीपेंद्र सिंह शेखावत की जगह अब उनके बेटे बालिंदु सिंह शेखावत के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, वो बड़ी तेजी से सामने आ रही हैं। क्या वो ही चुनाव लड़ेंगे? बालिंदु सिंह शेखावत सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। 11 जून को दौसा में सचिन पायलट के साथ भी वो मौजूद थे और इसके अलावा हर एक मोर्चे पर उनके साथ रहते ही हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी और उनके जल्द ही यानी कि सचिन पायलट ने उनसे मुलाकात की थी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस में इन दिनों युवाओं और बुजुर्गों की बहस चल रही है। कांग्रेस के ही नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बुजुर्गों को खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। खुद प्रदेश पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी ये बयान दिया था और खबरें तो ये भी हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत से विधायकों के टिकट कटेंगे और नए चेहरे दिखाई देंगे। दीपेंद्र सिंह शेखावत के चुनाव ना लड़ने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।